नमस्कार। ग्वालियर अंचल में एक महापुरुष हुए थे श्री कृष्ण सरल। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जन्मे सरल जी ने यूं तो 16 महाकाव्य सहित 124 पुस्तकों का सृजन किया, किंतु उनकी सबसे अनूठी रचना है क्रांतिकारी कोश। बेनाम गुमनाम क्रांतिकारियों की गाथा जन जन तक पहुंचाने की धुन में उन्होंने अपनी जमीन जायदाद, यहां तक कि पत्नी के गहने बेचकर पूरे देश की यात्रा की और क्रांतिकारियों के संस्मरण एकत्रित किए। स्वाभाविक ही इस तन्मयता से अगर परिश्रम किया जाए तो रचना भी दिल को छूने वाली होना स्वाभाविक है। लेकिन दुर्भाग्य देश का कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल के शोर में क्रांतिकारी कोश चर्चित ही नहीं हुआ। तो आइए आज उसी क्रांतिकारी कोश के खजाने से उठाते हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के जीवन के कुछ ऐसे अचर्चित संस्मरण जो आपके दिल को छू लेंगे। चंद्रशेखर आजाद का पहला बड़ा अभियान था काकोरी। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही पैसेंजर ट्रेन को रोककर ब्रिटिश ट्रेजरी के बक्से लूट लिए। बाद में आजाद को छोड़कर सारे क्रांतिकारी एक के बाद एक पकड़ लिए गए और उन्हें या तो फांसी दे दी गई या लंबी लंबी सजाएं। पुलिस से बचने के लिए आजाद झांसी आ गए। झांसी में इन्होंने बुंदेलखंड मोटर कंपनी में मोटर मैकेनिक के रूप में काम किया तथा ड्राइविंग सीखी। और हद तो देखिए कि कुछ समय पुलिस सुपरिंटेंडेंट की कार भी चलाई। झांसी की कुछ घटनाएं बेहद रोचक हैं और चंद्रशेखर आजाद की महान शख्सियत को दर्शाती हैं। झांसी में ये जिस मकान में रहते थे उसके नजदीक ही एक दूसरा ड्राइवर रामदयाल भी अपने परिवार के साथ रहता था। वे अक्सर रात को शराब के नशे में अपनी पत्नी को पीटता और गालियां देता था। पड़ोस के अन्य लोग घरेलू मामला मानकर चुप ही रहते थे। झिकझिक से परेशान तो होते किंतु झगड़ालू शराबी से कौन पंगा ले सोचकर रह जाते। एक दिन रामदयाल ने खुद होकर अपनी शामत बुला ली और आजाद से भिड़ बैठा। हुआ कुछ यूं कि उसने आजाद से कहा कि तुम रात को बहुत खटर पटर करते हो जिससे मुझे डिस्टर्ब होता है। आजाद झगड़ा झंझट नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने शांति से कहा कि भाई मैं तो केवल छेनी हथौड़े से काम करता हूं, किंतु तुम तो शराब पीकर अपनी भली पत्नी को गालियां देते और पीटते हो, उससे तो पूरा मोहल्ला परेशान होता है। रामदयाल भड़क गया और बोला कि तुम कौन होते हो हमारे मामले में बोलने वाले और मेरी पत्नी का पक्ष लेने वाले? मैं तो उसे और मारूंगा, देखता हूं कौन साला मुझे रोकता है। आजाद शांति से बोले, देखो भाई तुमने मुझे अभी अभी साला बोला है, इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी पत्नी अब मेरी बहन हुई। अब अगर तुमने उसे शराब पीकर मारपीट की तो मैं उसे बचाऊंगा। रामदयाल यह चुनौती सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, रात गई चूल्हे में और नशा गया भाड़ में, बिना पिए मैं अभी दिन में ही उसकी यहीं बीच सड़क पर तुम्हारी आंखों के सामने ठुकाई लगाता हूं, देखता हूं कौन उसे बचाता है। यह कहकर रामदयाल दौड़ता हुआ अपने घर में गया और अपनी पत्नी को बाल पकड़कर खींचता हुआ बाहर लाया। किंतु जैसे ही उसने उसे मारने को हाथ उठाया, आजाद के एक ही घूंसे ने उसे चित्त कर दिया। उसका चेहरा सूज गया और वह दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठा रह गया। तब तक अन्य पड़ोस के लोग भी दौड़कर आए और आजाद को उनके कमरे में ले गए। इसके बाद कुछ समय तक रामदयाल और आजाद की बोलचाल बंद रही, किंतु फिर आजाद ने ही पहल की और उसे जीजाजी कहकर पुकारना शुरू कर दिया और संबंध सामान्य किए। कहने की आवश्यकता नहीं कि उस दिन के बाद रामदयाल द्वारा पत्नी से की जाने वाली मारपीट तो बंद हो ही गई। इस प्रसंग से तो चंद्रशेखर केवल मोहल्ले पड़ोस में ही मशहूर हुए, किंतु एक घटना ने तो उन्हें पूरी झांसी में सोहरत दिला दी। कॉलोनी के कुछ मजदूर आर्थिक तंगी में फंसने पर एक काबुली पठान से कर्जा लेते थे, जो देता तो आसानी से था किंतु ब्याज वसूलने में पूरा कसाई था। एक दिन जब आजाद
अपने कमरे में कुछ काम कर रहे थे, उनके कानों में पड़ोसी धनी राम की आवाजें सुनाई दी। वह कह रहा था, खान बाबा बस 10 दिन की मोहलत और दे दो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। बीमार हो जाने के कारण मैं काम पर नहीं जा पाया, इसलिए आपका ब्याज समय पर नहीं दे पाया। अब मैंने आज से ही फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया है और ठीक 10 दिन बाद मैं सूद समेत पैसा चुका दूंगा। खान ने उसे फटकारते हुए कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो, जब तुम मेरा ब्याज भी नहीं चुका सकते तो कर्जा लिया ही क्यों था। मेरा पैसा वापस देने तक अपने बीबी बच्चों को मेरे पास गिरवी रखो, मैं यहां से खाली हाथ जाने वाला नहीं हूं। धनी राम ने हाथ जोड़कर उससे बार बार विनती की कि 10 दिन बाद आए, किंतु खान टस से मस नहीं हुआ और उसने आगे बढ़कर धनी राम के औजारों का थैला उठा लिया। धनी राम गिड़गिड़ाया, खान बाबा औजार ही नहीं रहेंगे तो मैं काम कैसे करूंगा और आपका पैसा कैसे चुकाऊंगा, मुझ पर रहम करो। किंतु खान उसका थैला लेकर जाने लगा। यह नजारा देखते आजा अदब बीच बचाव करने आए और खान से बोले, खान बाबा धनी राम कह तो सही रहा है, अगर उसके औजार ही नहीं रहेंगे तो वह काम कैसे करेगा और तुम्हारा पैसा भी तुम्हें कहां से चुकाएगा। पठान गुस्से में चिल्लाया, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, अगर मुझसे उलझोगे तो जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। अब आजाद की बारी थी, उन्होंने गरज कर कहा कि बस कर पठान, अगर मेरा एक झापड़ पड़ गया तो पानी पीने को मोहताज हो जाओगे। पर पठान कहां मानने वाला था, वह आजाद पर झपटने की गलती कर बैठा और अगले ही क्षण आजाद के एक थप्पड़ ने उसे चकर घिन्नी कर दिया। उसकी पगड़ी कहीं, डंडा कहीं और धनी राम का थैला कहीं। उसके बाद उसकी एक मिनट रुकने की हिम्मत नहीं हुई और वह अपनी पगड़ी संभालता भागता नजर आया। उसके बाद तो अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी उन्हें शेर कहने लगे, किंतु इससे आजाद पुलिस की नजरों में आने लगे और उन्होंने झांसी छोड़कर ओरछा में बेतवा के किनारे झोंपड़ी बनाकर एक ब्रह्मचारी के वेश में रहना शुरू कर दिया। उसी दौरान वे शिवपुरी जिले के खनिया थाना में भी रहे। जब पंजाब के लोकप्रिय नायक लाला लाजपत राय पुलिस के लाठीचार्ज में घायल होकर शहीद हो गए तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी साथियों ने लाठी चार्ज का आदेश देने वाले एसपी सैंडर्स को मारने का निश्चय किया। 17 दिसंबर 1928 को जैसे ही जेपी सैंडर्स अपने ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा, राजगुरु ने उस पर गोली चला दी जो उसके माथे पर लगी और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। भगत सिंह दौड़कर वहां पहुंचे और 4 गोलियां और दागकर उसकी मौत सुनिश्चित कर दी। इस बीच सैंडर्स को बचाने के लिए आगे बढ़ते उसके बॉडीगार्ड का काम तमाम आजाद ने कर दिया। सारे लाहौर में पोस्टर चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मौत का प्रतिशोध ले लिया गया है। पूरे देश में क्रांतिकारियों की जय जयकार होने लगी। आगे की घटनाएं तो सर्वविदित ही हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में धुएं का बम फोड़ा और जन जागृति की खातिर आत्मसमर्पण किया ताकि न्यायालय का उपयोग कर सारे देश में आजादी की अलख जगाई जा सके। 7 फरवरी 1931 को एक जयचंद की सूचना पर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने घेर लिया और जब तक गोली रही आजाद ने संघर्ष किया। अंत में आखिरी गोली से स्वयं को मातृभूमि पर उत्सर्ग कर दिया। स्वतंत्रता के इस अनोखे वीर अद्वितीय नायक को कोटिशह नमन, साथ ही स्वर्गीय श्री कृष्ण सरल जी को साश्रु श्रद्धांजलि।